विटामिन सी। आज हम एक नया टॉपिक के बारे में बात करेंगे, विटामिन सी। विटामिन सी क्या है? विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण विटामिन है, जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। ये लाल रक्त कोशिकाओं को, ये श्वेत रक्त कोशिकाओं के में जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं उनको मजबूती प्रदान करता है, जिसके चलते हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम बहुत ही मजबूत हो जाती है। और विटामिन सी के कारण ही हमारा शरीर अन्य बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर के अंदर आती है, क्योंकि श्वेत रक्त कोशिकाओं में जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं ये हमारे शरीर के लिए पुलिस मैन का काम करती हैं, हमारे शरीर के लिए आर्मी मैन का काम करती है। और विटामिन सी न्यूट्रोफिल्स को बहुत ही मजबूती प्रदान करता है, जिसके चलते हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। विटामिन सी से हमारे शरीर को क्या-क्या लाभ है? विटामिन सी से हमारे शरीर को बहुत लाभ मिलता है, जैसे हमारे शरीर की जो त्वचा होती है, त्वचा की पर जो चमक आती है वो विटामिन सी के चलते आता है। विटामिन सी जो है एक कोलेजन प्रोटीन बनाती है। कोलेजन प्रोटीन ये हमारे शरीर के जो स्किन होता है उसमें चमक लाती है। विटामिन सी के चलते ही हमारे शरीर की जो चमक स्किन होता है उस पर चमक आता है। विटामिन सी हमारे शरीर में जो होने वाले घाव होते हैं, कोई बहुत बड़ा जख्म हो गया हो, कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया हो और वो घाव बन गया हो, तो उस घाव को भरने में, रिपेयर करने में कोलेजन प्रोटीन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, और विटामिन सी ही कोलेजन प्रोटीन को बनाती है। कोलेजन प्रोटीन जो होता है स्किन के रिपेयर में बहुत ही महत्वपूर्ण भाग निभाता है, जिसके चलते हमारे जो घाव होते हैं वो बहुत जल्दी ही फिलअप हो जाते हैं, मतलब कि हमारा जो घाव होता है बहुत जल्दी भर जाता है। आप लोग एक चीज आप लोग देखे होंगे, विटामिन सी कभी कभी आप लोग देखे होंगे नींबू को दाल में डालकर खाते हुए। नींबू को हम लोग दाल में डालकर क्यों खाते हैं? नींबू को दाल में डालकर खाने के पीछे एक कारण है, और वो कारण है कि दाल जो क्या करता है, विटामिन सी क्या करता है, वो आयरन का अवशोषण में भाग लेता है। और नींबू में क्या पाया जाता है? विटामिन सी। जब नींबू को दाल के अंदर डाला जाता है तो दाल में जो उपस्थित आयरन होता है उसका अच्छे से शरीर में अवशोषण हो जाता है और शरीर को बहुत अच्छी मात्रा में आयरन की प्राप्ति हो जाती है। विटामिन सी के चलते जो मसूड़ा होते हैं, मसूड़ा में दर्द आने लगता है। विटामिन सी क्या करता है? जो मसूड़ों के जो चमड़े होते हैं,
मसूड़ों के चमड़ों को मजबूती प्रदान करते हैं। पायरिया का शिकायत है उसको दूर करते हैं, क्योंकि विटामिन सी की कमी से जो दांत होता है उसमें ब्लड आने लगता है, दांत में सिहरन होने लगता है, दांत में झंझनाहट होने लगती है। इसमें विटामिन सी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। विटामिन सी झंझनाहट सिहरन को दूर करता है। विटामिन सी रक्तचाप का भी कंट्रोल करता है। विटामिन सी की यदि शरीर में कमी हो जाती है तो जो हमारे शरीर में क्या होता है, चर्बी बढ़ने लगता है। विटामिन सी फैट को एनर्जी में बदल देता है, जिसके चलते शरीर में चर्बी नहीं बढ़ता है। यदि शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाए तो शरीर में क्या होता है, चर्बी की मात्रा बढ़ने लगता है, मतलब कि फैट का डिपॉजिट बढ़ जाता है, जिसके चलते मोटापा भी बढ़ जाता है। हड्डियों की मजबूती प्रदान करना, विटामिन सी क्या करता है, जो हड्डियों के जोड़ होते हैं उसमें मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि कोलेजन जो प्रोटीन बनाता है ये हड्डियों के बीच में जोड़ता है। जो स्किन की त्वचा होते हैं उसको मुलायम बना के रखता है, क्योंकि स्किन को त्वचा को ये नमी प्रदान करता है। विटामिन सी जो होता है हमारे शरीर के वजन को कंट्रोल रखता है, इसलिए विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है। आप इस कोरोना टाइमिंग में विटामिन सी ही एक ऐसी विटामिन थी जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाई, और बढ़ाने के चलते हम लोग कोरोना से अपने आप को बचाव किए। इसलिए विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। और इस शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो अस्कर्वी रोग हो जाता है, जिसके चलते बाल का झड़ना बढ़ जाता है, होंठ फटने लगता है, स्किन फटने लगता है, ये भी विटामिन सी की कमी के चलते होता है। विटामिन सी के कमी के चलते नाक से ब्लड आने लगता है। विटामिन सी के कमी के चलते दांत से ब्लड आने लगता है। इस कमी को कैसे पूरा किया जाए? विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए हम लोग को जो डाइट प्लान है उसमें विटामिन सी की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। यदि इन बीमारियों से बचना है तो विटामिन सी की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा, और विटामिन सी की सबसे मुख्य सोर्स है आंवला, नींबू, आम, अमरूद, केला, संतरा, चौलाई के साग, चुकंदर, ये सब हमारे जो डाइट आहार है इन आहारों में बहुत ही आसानी से विटामिन सी हम लोगों को मिल जाता है। और इसलिए कभी भी आहार में विटामिन सी की अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है और हमारे शरीर को बहुत सी बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। क्योंकि यदि आपके शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है तो इम्यून सिस्टम मजबूत होने से केवल एक ही बीमारियों से मेरा शरीर नहीं लड़ता है, हमारे शरीर में होने वाले विभिन्न प्रकार के बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर के पास आ जाता है, जो हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाता है। इसलिए जब भी आप आहार लीजिए उसमें विटामिन सी की अवश्य कुछ न कुछ मात्रा अवश्य लीजिए, क्योंकि विटामिन सी हमारे शरीर में बनता नहीं है, जब भी मिलेगा
तो आहार के द्वारा ही मिलेगा। इसलिए विटामिन सी हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण विटामिन है। इसका सेवन हम लोग को खाना खाते समय अवश्य करना चाहिए।